जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा है कि आपको ट्रेनिंग में कौन कौन से जो अंत में जो रिवार्ड मिलते हैं, कौन कौन से वो रिवार्ड होते हैं और उनके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जो ट्रेनिंग में आप जो रिवार्ड जीतते हो उससे क्या क्या आपको फिर सर्विस में फ़ायदे मिलते हैं दोस्तों। इससे पहले एक बार बता दूँ दोस्तों कि कई भाइयों के जो क्वेश्चन थे वो सैलरी से और पेंशन से रिलेटेड थे, तो उसका मैंने वीडियो बना रखा है। उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप जाके कि कितनी पेंशन मिलेगी आपको हर महीने या कितने कौन सी जो पेंशन स्कीम अभी जो चल रही है उसके बारे में पूरी डिटेल है, और ट्रेनिंग के पहले और ट्रेनिंग के बाद में आपको कितनी सैलरी मिलेगी उसका वीडियो भी मैंने नीचे बना रखा है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ट्रेनिंग के दौरान आपको जो कौन कौन से रिवॉर्ड मिलते हैं दोस्तों और उसके क्या क्या फ़ायदे होते हैं। जब ट्रेनिंग ख़त्म होती है दोस्तों तो उसमें आपका पूरे साल का जो ब्यौरा है वो देखा जाता है। उसके साथ में जब आपके 12वीं वीक में टेस्ट होता है, फिर 24वीं वीक में या 22वीं वीक में जो टेस्ट होता है, उसके बाद 36वीं वीक में और 44वीं वीक में जो टेस्ट होता है उसके अनुसार आपके वो रिवॉर्ड बनाए जाते हैं। तो साथ में बता दो दोस्तों कुछ ऐसे रिवॉर्ड होते हैं जो 44वीं वीक के परफॉर्मेंस के अनुसार ही डिसाइड होते हैं। तो कौन कौन से रिवॉर्ड होते हैं तो मैं शुरुआत से आपको बता दूं कि ट्रेनिंग में वेपन हैंडलिंग, बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग होता है। जो वेपन मतलब जिसका अच्छा होता है खोलना जोड़ना स्पीड से करता है आँखें बंद करके, वो बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग। दूसरा बेस्ट इन फिजिकल, मतलब जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो सबसे बेस्ट होता है। बेस्ट इन फायरिंग, जो मतलब फायरिंग में जो सबसे अच्छा सटीक जो फायरिंग के जो नंबर मिलते हैं उनमें सबसे टॉप पर होता है। बेस्ट इन ड्रिल, यानी जो ड्रिल करवाते हैं उसमें जो सबसे अच्छा मतलब जो चलता है ड्रिल में उसको मिलता है बेस्ट इन ड्रिल। बेस्ट इन ऑलराउंडर, मतलब जिसका सभी में परफॉर्मेंस अच्छा होता है, जैसे फिजिकल में ले लो, फिजिकल हो गया, रिटर्न हो गया, फायरिंग हो गई या वेपन हैंडलिंग हो, सभी में जिसका बेस्ट होता है उसको बेस्ट इन ऑलराउंड बेस्ट मिलता है दोस्तों। उसके अलावा होगा बेस्ट इन रिटर्न, जो रिटर्न एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर लाता है उसको मिलता है बेस्ट इन रिटर्न। तो दोस्तों इनके सर्विस में आपके क्या क्या फ़ायदे हैं कि जो ये रिवॉर्ड मिलते हैं इनसे क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं आपको सर्विस में। तो और ये रिवॉर्ड मतलब उस समय जब आप रिवॉर्ड मिलता है तो उस समय क्या मिलता है, तो दोस्तों पहले तो बता दो जब ट्रेनिंग टाइम रहता है तो मतलब रिवॉर्ड के लिए 700-800 बंदों में से आप 5 या 6 या 7 बंदे ऐसे चुने जाते हैं जिनको ये रिवॉर्ड दिया जाता है। तो सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 6-7 बंदे निकल के आते हैं 800 या 1000 बंदों में से, तो उनके लिए प्राउड मोमेंट होता है सबसे बड़ा। क्योंकि आप मानिए कि आपके साथ में अगर 1000 बंदे ट्रेनिंग करें उसमें से आप 7 चुने गए तो आप में कुछ तो खास बात होगी, तो कुछ खास बात होगी इसीलिए आपको चुना गया है। तो आप सबसे आगे जो मेन गाइड के रूप में चलते हैं, जब पूरी टोली चलती है जैसे 150 की, उसमें जो मेन गाइड चलता है वो आप चलोगे, तो उसमें आपकी जो वर्दी पहनोगे उसमें भी थोड़ा सा अलग रहेगा, थोड़ा डिफरेंट रहेगा, थोड़ा ज़्यादा दिखने वाला रहेगा, जैसे पट्टा वट्टा लगा हुआ रहेगा, तो आप मतलब आप दूर से आपकी नज़र पड़ेगी। और जब POP होती है तब आप अपनी फैमिली को वहाँ पर बुलाते हो या आपके फैमिली मेम्बर वहाँ आते हैं, तो उनको मतलब देख के अच्छा लगता है कि यार इनमें से मतलब मेरा बच्चा, मेरा भाई या सबसे आगे चल रहा है और सबसे अलग दिख रहा है। उसके साथ में फिर जब रिवॉर्ड सेरेमनी होती है तो जब पूरी परेड खड़ी रहती है तो वो 7 बंदे मार्च करके वहाँ से आते हैं, एक एक का फिर नाम अनाउंस होता है, फिर एक एक को जो चीफ गेस्ट आता है, कई बार मुख्यमंत्री आते हैं, कई बार जैसे होम मिनिस्टर हो गए, स्टेट मिनिस्टर हो गए या कोई बड़े अधिकारी जो आते हैं, उनसे रिवॉर्ड लेने का भी मतलब एक आपको सौभाग्य मिलता है। साथ में आपकी फ़ोटो शूट होता है, वो फ़ोटो आपको ज़िंदगी भर याद रहती है कि आपने ट्रेनिंग में इतना अच्छा किया। जैसे मेरे को ट्रेनिंग में मिला था बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग, अभी मेरे पास में उसकी फ़ोटो नहीं है क्योंकि मैं मोबाइल चेंज कर लिया, बाद में जैसे मैं इस बार घर जाऊंगा लैपटॉप से निकाल के वो फ़ोटो आपको ज़रूर बताऊंगा, उसका वीडियो ज़रूर बताऊंगा। मेरे पास में वीडियो भी, आपको वीडियो बनाने का मौका मिलता है, आपका वीडियो आप ले सकते हो क्योंकि पूरी परेड का वीडियो बनता है, तो आप वो वीडियो ले सकते हो। आपको जब रिवॉर्ड मिलता है तो आपका उसमें स्पेशली कट करके वीडियो आप ले सकते हो दोस्तों। इसके साथ में उसके सर्विस में भी बहुत फ़ायदे हैं। फ़ायदा क्या, जैसे जिस यूनिट में आप जा रहे हो तो यूनिट में आपके जो फाइल जाती है कि भाई आपने ट्रेनिंग में आपकी कैसी एक्टिविटी रहेगी, कैसी रही थी या कैसे आपको परफॉर्मेंस रहा था, तो जब यूनिट में आपका वो जाता है तो दोस्तों वहाँ पर आपका लिखा हुआ रहता है बेस्ट इन ऑलराउंडर, बेस्ट इन वेपन हैंडलिंग, तो वहाँ की एक अलग इज्जत बनती है दोस्तों कि ट्रेनिंग से बंदा रिवॉर्ड जीत के आया है, तो मतलब कुछ तो खास बात है। जब आपका यूनिट में CO का जब इंट्री होता है, कर्नल का जब इंट्री होता है, कमांडेंट का, तो उसके सामने भी अगर आप ऐसा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ भाई अच्छा करके आया, अच्छा लड़का है, तो आपको मतलब
अच्छी ड्यूटी के लिए भी मिलेगा, साथ में अच्छे कोर्सों में जाने का मौका मिलेगा और भी नई चीज़ें सीखने के लिए कि हाँ भाई ये फिट है तो इसको कहीं कोर्स में भी कोई अच्छे अच्छे कोर्सों में जाने का मौका मिलता है और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है दोस्तों। और भी मतलब आपकी एक अलग रिस्पेक्ट होती है, उससे रिवॉर्ड लेके आपको भी अच्छा लगता है, प्लस आप जहाँ पे भी जाते हो उस रिवॉर्ड की वजह से आपको इज्जत होती है और आप बता भी सकते हो कि भाई मैंने ट्रेनिंग में ये रिवॉर्ड जीता है। तो उसके अनुसार जैसे आपने अगर फायरिंग में जीता है तो आपको फायरिंग स्किल जो कोर्स होता है, शूटर जो कोर्स होता है, तो उनमें जाने का आपको मौका मिलता है दोस्तों, जो शूटिंग कोर्स होता है, तो इसमें आपको बहुत कुछ सीखने का मौका मिलता है, अच्छी अच्छी चीज़ें भी सीखने का मौका मिलता है दोस्तों। तो ये उसके फ़ायदे हैं आपकी ट्रेनिंग में रिवॉर्ड जीतने के दोस्तों। कैसे जीतते हैं, तो अगर जो फिज़िकल में अच्छा परफॉर्मेंस करता है, अगर मान लो जब आपकी ट्रेनिंग ख़त्म हो रही है, लास्ट टाइम पे जो टेस्ट होते हैं उसमें अगर आप रनिंग में फिजिकल में टफ परफॉर्मेंस देते हो तो आपको बेस्ट में फिजिकल मिलेगा। अगर आप ऑलराउंड जीतना चाहते हो तो मतलब आपकी ड्रिल भी अच्छी होनी चाहिए, दिल से ड्रिल करनी चाहिए, फिजिकल में भी अच्छे मार्क्स होने चाहिए, रिटर्न की भी अच्छी तैयारी होनी चाहिए, वेपन की भी अच्छी मतलब हैंडलिंग होनी चाहिए, तो इन सभी की अच्छी तैयारी होनी चाहिए आपको ऑलराउंड बेस्ट। वेपन हैंडलिंग के लिए आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितनी स्पीड से आप खोल सकते हो, कितनी स्पीड से आप मतलब मैगजीन को भर सकते हो, इन सब चीज़ों के लिए मतलब आपको बहुत ज़्यादा स्पीड तैयारी करनी पड़ती है। तो इससे फिर आपका नाम आ जाता है बार कि हाँ भाई सभी का टेस्ट चलता रहता है स्कोर वाइज, तो जो बेस्ट बेस्ट होते हैं फिर उनको टक्कर होती है, तो उनमें से जो सबसे कम टाइम में, सबसे कम समय में जो सबसे बढ़िया से बढ़िया करके दिखाए उसको ये दोस्तों मौका मिलता है। जय हिंद दोस्तों। और किस बारे में आप वीडियो चाहते हो मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए।